हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ड्राइविंग कैसे करना है, यानी गाड़ी अगर आप चलाना नहीं आता आपको गाड़ी अगर आपको चलाना नहीं आता तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं। तो पूरा डिटेल रिव्यू है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे आपको ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करनी है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, स्विफ्ट VXI AMT गाड़ी है। तो इसमें आपको गियर लीवर की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ये तीन चीज़ें आप देख रहे हैं, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। आर वाली पोजीशन पे ले जाएंगे गियर लीवर को तो रिवर्स मोड है ये, यानी आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। और एन वाली पोजीशन पे रखते हैं गियर लीवर को तो न्यूट्रल में, इस पोजीशन में गाड़ी को स्टैंड करना होता है, यानी खड़ा रखना होता है गाड़ी को, यानी आपको गाड़ी को रोकना है तो इस पोजीशन पे आपको गाड़ी को स्टैंड करेंगे और फिर हैंड ब्रेक लीवर को आप कर लेंगे ताकि गाड़ी आपकी हिले नहीं, आगे पीछे ना जाए, स्टैंड रहेगी गाड़ी है। तो इसका उपयोग आपको ज़रूर करना है अगर आप गाड़ी को स्टैंड करते हैं, रोकते हैं उस टाइम। और ढलाई पे भी इस गाड़ी को, अगर आप कहीं ढलाई है, ऊंचा नीचा है, तब भी आप इसको इसका यूज़ करना है, यानी गाड़ी को पार्किंग करने के बाद इसका हैंड ब्रेक का यूज़ ज़रूर करना है आपको, ताकि गाड़ी आपकी कहीं लुढ़के ना, तो ये स्टैंड रहेगी। तो आप समझ गए होंगे तो हैंड ब्रेक लीवर का क्या काम है, गाड़ी को रोकना। और ये पीछे दो वायर जा रही हैं जिससे कि गाड़ी के पहिए जो है लॉक हो जाते हैं हैंड ब्रेक लीवर को खींचने से, यानी ब्रेकिंग का काम भी करता है ये हैंड ब्रेक लीवर जो आप देख रहे हैं, ये ब्रेकिंग का काम भी करता है। इमरजेंसी ब्रेक भी आप इसे कह सकते हैं, इमरजेंसी में अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल होते हैं तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो मैं बता रहा था आपको ये रिवर्स है, अगर आप गाड़ी को रिवर्स करना चाहते हैं तो आर वाली पोजीशन पर रखेंगे न्यूट्रल, यानी स्टैंड, यानी रोकना है गाड़ी को तो एन वाली पोजीशन पे, ड्राइव करना है तो डी वाली पोजीशन पे रखना है आपको गियर लीवर को। तो अब ये न्यूट्रल पोजीशन पे है गाड़ी, और अगर आपको रिवर्स करना है तो आर वाली पोजीशन पे ले जाएंगे। मैं इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ, मीटर में देखिए लाइट आ जाएगी। तो अब ये एन वाली पोजीशन पे है, रिवर्स करना है तो आर वाली पोजीशन पे ले जाएंगे, ब्रेक पेडल को प्रेस करना है। तो अब ये रिवर्स वाली पोजीशन पे है, आर वाली पोजीशन और डी वाली पोजीशन, ये देखिए ये रही, यानी ये ड्राइव वाली पोजीशन है डी। तो अगर आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो डी वाली पोजीशन पे रखना है, और अगर आप गाड़ी को मैन्युअली ड्राइव करना चाहते हैं तो एम वाली पोजीशन पे ले जाएंगे। ये एम वाली पोजीशन पे आ चुकी है गाड़ी आपकी, यानी लीवर, तो यहाँ से आप मैन्युअली ड्राइव कर सकते हैं। और गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए, गाड़ी के जो लीवर देख रहे हैं आप, इस लीवर को पीछे की तरफ मूव करना है, और गाड़ी की स्पीड जो है कम करने के लिए ऊपर की तरफ मूव करना है अगर आप मैनुअल में ड्राइव कर रहे हैं उस पोजीशन में। तो अब ये न्यूट्रल पोजीशन पे है, MID में भी न्यूट्रल पोजीशन शो कर रहा है। तो आपको अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक पेडल को प्रेस करना है। आपको ब्रेक पेडलों के बारे में बता देता हूँ एक बार, तो इसमें आपको दो पेडल मिलेंगे, एक तो है ब्रेक पेडल और दूसरा है एक्सीलेटर पेडल। तो इसका जो यूज़ करना है आपको राइट लेग से ही करना है दोनों का यूज़।
दोनों का यूज़ आपको राइट लेग से ही करना है। ब्रेक पैडल ये वाला है और एक्सीलेटर पैडल ये वाला है। दो ही पैडल मिलेंगे, एक डेड पैडल मिलेगा यहाँ पे, ये डेड पैडल है। तो उसका यूज़ आपको लेफ्ट लेग के लिए करना है, यानी लेफ्ट लेग आपको रिलैक्स रखना है, डेड पैडल पर रख लेंगे तो रिलैक्स रहेगा आपका लेफ्ट लेग। तो आपको राइट लेग से ही दोनों काम करने हैं, ब्रेक भी लगानी है और एक्सीलेटर भी, दोनों काम आप राइट लेग से ही करेंगे, यानी लेफ्ट लेग का यूज़ करना ही नहीं है आपको, समझ गए होंगे आप। अगर आपकी गाड़ी को स्पीड बढ़ानी है, गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तभी आप एक्सीलेटर का यूज़ करें। और आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है जैसे कि, तो देखिए ब्रेक पेडल को प्रेस करना है, राइट लेग से ही प्रेस करना है। प्रेस करेंगे और तभी गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, ब्रेक पेडल को बिना प्रेस किए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और न्यूट्रल पोजीशन भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप डी वाले मोड पे ड्राइव डी वाले मोड पे स्टार्ट करें गाड़ी को तो स्टार्ट होगी ही नहीं गाड़ी। तो न्यूट्रल पोजीशन पे अगर आपकी गाड़ी है तब ये गाड़ी स्टार्ट भी होगी, वरना स्टार्ट नहीं होगी। तो समझ गए होंगे आप, न्यूट्रल पोजीशन पे ही रख के आपको गाड़ी को ब्रेक पेडल को दबाना है और तभी स्टार्ट होगी आपकी गाड़ी। ऑटोमेटिक गाड़ी बिना न्यूट्रल पोजीशन के स्टार्ट नहीं होती और बिना ब्रेक पेडल प्रेस करे भी स्टार्ट नहीं होगी। तो ब्रेक पेडल जरूर प्रेस करना है तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, समझ गए आप। तो एक्सीलेटर का यूज़ जो है आपको बहुत ही कम करना है, क्योंकि आप गाड़ी सीख रहे हैं तो एक्सीलेटर का यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक्सीलेटर पैडल है जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर रखा है, न्यूट्रल पोजिशन पर है गाड़ी, यहाँ भी देखिए एन लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं अगर रिवर्स करना है गाड़ी को तो ब्रेक पेडल पे एक बार प्रेस करेंगे और राइट लेग से ही करना है आपको प्रेस, और आर वाली मोड पे ले जाएंगे तो गाड़ी हमारी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। हैंड ब्रेक लीवर को जो छोड़ देना है आपको, देखिए डाउन कर दिया मैंने तो रिवर्स होगी गाड़ी। अभी देखिए आर भी लिखा हुआ आ रहा है मीटर में, तो हमारी गाड़ी पीछे जा रही है, देख रहे हैं आप। गाड़ी को रोकना है तो ब्रेक पेडल को प्रेस करना है, जैसे मैंने प्रेस कर दिया है ब्रेक पेडल को, देखिए और न्यूट्रल पोजीशन पे ला लेंगे गाड़ी को और हैंड ब्रेक को खींच लेना है। तो हमारी गाड़ी स्टैंड हो चुकी है, देखिए हमारी गाड़ी रुक चुकी है। तो आप ब्रेक पेडल को छोड़ सकते हैं आप हैंड ब्रेक लीवर को खींचने के बाद, ये न्यूट्रल पोजीशन में है गाड़ी अभी हमारी। और आपको गाड़ी को ड्राइव करना है तो डी वाले मोड पे ले जाना है, एक बार पेडल को प्रेस करना है, राइट लेग से प्रेस करना है पेडल, और लेफ्ट लेग का यूज़ नहीं करना है जैसे मैंने आपको बताया, और डी वाले मोड पे ले जाएंगे, देखिए डी वाले मोड पे, और 1D लिखा भी हुआ आ रहा है, देख रहे हैं आप। और हम अब हैंड ब्रेक लीवर को डाउन कर देंगे, डाउन कर दिया, अब हमारी गाड़ी आगे की तरफ चलेगी, ब्रेक पेडल को छोड़ेंगे, देखिए गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। रोकने के लिए प्रेस करेंगे ब्रेक को प्रेस करेंगे हल्के से। तो ये गाड़ी देखिए मैंने ब्रेक पेडल प्रेस करा और गाड़ी रुक चुकी है, और अब इसको हम न्यूट्रल पोजीशन पे ले आएंगे, हैंड ब्रेक लीवर को खींच लेंगे, देखिए न्यूट्रल पोजीशन पे है। तो ऐसे आप ड्राइव कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको मैनुअली ड्राइव करना है तो एम वाली पोजीशन पे ले जाएंगे, गियर लीवर को एम वाली पोजीशन पे ले आना है आपको, ठीक है। एम वाली पोजीशन यहाँ पे है इसकी, देखिए लाइट भी आ रही है, एम वाली पोजीशन ये है इसकी। तो यहाँ से भी आप ड्राइव कर सकते हैं, सिंपली ड्राइव यहाँ से भी कर सकते हैं आप, देख रहे हैं आप। तो एम वाली पोजीशन पे अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, यानी इसके जो गियर हैं ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो चेंज होने के लिए पीछे की तरफ मूव करेंगे और आगे के लिए माइनस की तरफ मूव करना है, तो इसके गियर ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाएंगे, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, पीछे की तरफ मूव करेंगे आगे की तरफ मूव करेंगे तो स्पीड, आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसे ही गाड़ी को ड्राइव करना है, और आप मैनुअली ड्राइव कर रहे हैं तो इसको रिवर्स लाने के लिए आपको आर वाली पोजीशन पे ही ले आना पड़ेगा आपको,
यहाँ पे लाना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी रिवर्स होगी। मैन्युअली ड्राइव करते हैं तब भी, और मैन्युअली ड्राइव करके मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये देखिए एम वाली पोजीशन पे है, ब्रेक पेडल को प्रेस करना है, राइट लेग से प्रेस करना है, लेफ्ट लेग का यूज़ नहीं करना है। तो देखिए ब्रेक पेडल को प्रेस करना है, जैसे मैंने कराओ कर दिया ब्रेक पेडल को प्रेस। और देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एम लिखा हुआ आ रहा है, यानी मैन्युअली ड्राइव कर रहा हूँ मैं इस टाइम। देखिए तो M1 लिखा भी हुआ आ रहा है। देखिए तो मैं ब्रेक पेडल को छोड़ूंगा, धीरे धीरे ब्रेक पेडल को छोड़ूंगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी। देखिए जा रही है गाड़ी आगे की तरफ। तो आप ऐसे मैन्युअली ड्राइव कर सकते हैं, रोकने के लिए ब्रेक पेडल को प्रेस करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैंने ब्रेक पेडल को प्रेस कर दिया है देखिए, और न्यूट्रल पोजीशन पे ले आऊँगा लीवर को। तो हमारी गाड़ी स्टैंड हो चुकी है और हैंड ब्रेक को खींच लेना है। तो ऐसे ही आप मैन्युअली ड्राइव भी कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। गाड़ी को अगर मोड़ना है तो देखिए स्टीयरिंग व्हील को राइट में मोड़ना है, तो राइट में आपकी गाड़ी घूमेगी, और लेफ्ट में मोड़ना है तो स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट में घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी लेफ्ट में कटेगी, तो लेफ्ट में आपकी गाड़ी टर्न हो जाएगी। तो ऐसे गाड़ी को आप मूव भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताई है गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है। तो आप समझ गए होंगे गाड़ी चलाना आसानी से, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप सीख सकते हैं। यही था इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।